गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले टॉक सिमुलेटर डेथ रोड। आप ये देख सकते हैं ये जो केमिकल टैंक्स है पूरा मतलब ओवरलोड है। आप जैसे देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ केमिकल टैंक पूरा फुल्ली लोड है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा भी है भाई, आज तो दिक्कत हो सकती है मेरे हिसाब से। कोई बात नहीं चलाएंगे, और ये 28 लेवल है मतलब रास्ता भी थोड़ा सा लंबा आ सकता है। लेकिन ये सब ट्रक को चेंज करना चाहिए, ये ट्रक को मैंने पहले भी चलाया था लेकिन कोई बात नहीं। जो केमिकल टैंक है पहली बार इतना बड़ा लोड मिला है, ट्राई करते हैं अच्छे से चलाने के लिए। सो गाइस एंजॉय द गेम प्ले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब डायनामिक्स ड्राइविंग गेम्स। और ये कैमरा एंगल का थोड़ा सा पंगा आता है यहाँ पे, वहाँ पे कैमरा एंगल को बटन दे रहता है 1 2 3, ये डिस्टेंस ये सब उतना सही नहीं है। कोई बात नहीं चलाते हैं अभी इसको।
लगता है गलत रास्ते पे आ गया भाई। से एक जगह पे क्रॉस था, दोनों साइड पर खाली छोड़ रखा था, शायद लोग उन लोग को ऐसे बुलाने, लेकिन इतना बड़ा ट्रक तो यहाँ पर घुमाना इम्पॉसिबल है, और पीछे लेकर जा भी नहीं सकते इतना बड़ा ट्रक, और साथ में साथ एक कार देखिए, कार भी नीचे से दब के चला है, ऊपर से इतना बड़ा ट्रक लंबा है चला गया, साइड से देखिए कितना बड़ा है, इसको लेकर जाना भाई, और पीछे बहुत दूर फिर से जाना, वहाँ से फिर से टर्निंग लेके उसके पीछे वाले रास्ते जाना हुआ, क्या करें, और एक क्रॉस देते तो क्या हो जाता, फालतू में बेकार हो गया। कोई बात नहीं, शायद ये लोग का प्लान है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है शायद ये डिफिकल्टी लेवल भी हाई हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ट्रक था चला कर वो काफ़ी मजा आएगा, अंदर से आपको चलाना सही लगेगा, किंतु बाहर से आपको अगर चलाओगे तो आपका अंदाजा सही से नहीं बैठेगा, इसीलिए अंदर से चलाना ही सही रहेगा। उस अंदर से चलाना क्यों मजा नहीं आता बोलो, क्योंकि इसका इंटीरियर उतना कुछ खास नहीं है, इसी वजह से अंदर से चलाना भी उतना मजा नहीं आता। क्या कर सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रक है, साइड में टैंक देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना सब टैंक है, इसलिए अंदर से आप अगर चलाओगे तो सही रहेगा, जो एक्सीडेंट नहीं होगा, नहीं तो एक्सीडेंट होना मतलब अगर बाहर से लगे तो जरूर एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत जल्दी। कोई बात नहीं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गेम प्ले।